ड्रेंचिंग कर देंगे कीटनाशक प्लस फफूंद नाशक की। अच्छा उसके बारे में बताओ भैया थोड़ा सा, शुरू में जब आप ड्रेंचिंग करोगे मतलब किस चीज़ की होनी चाहिए? देखो एक अच्छी फंगीसाइड ले लो, कोई भी फफूंद नाशक। हाँ जी हाँ जी, जैसे कार्बंडाजिम आप स्पेशल प्योर कार्बंडाजिम ले लो, ठीक है, बेसिक दवाई है, और बावस्टीन के नाम से ले लो। हाँ जी, अच्छी ब्रांड आती है, क्रिस्टल की ले लो, पहले तो बासफ की आती थी, जी जी, अब वो बावस्टीन ने खरीद लिया, इसने बावस्टीन को खरीद लिया है ब्रांड नेम को, क्रिस्टल कंपनी ने। अच्छा अच्छा, तो आप इसका क्रिस्टल का लो। हाँ जी, और किसी अगर और भी किसी कंपनी का आपको कार्बंडाजिम लेना है तो फंगस के साथ में आप किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक, अच्छा अच्छा, जो हमारा जैसे एनपीके है, जी जी जी, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में है जिसे हम यूज करते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये लगा सकते हो आप कीटनाशक का, कीटनाशक का कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है जी, ठीक, तो ये नहीं, ये तो गलत है, किसी ने अगर बताया तो। जी जी जी, उसके बारे में भैया, ये हमारा जो टॉप बोरर का जैसा पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं, जी जी जी, 15 मार्च से बाद में स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, और जो सबसे ज़्यादा प्रकोप आता है वो हमारा मई जून और जुलाई तक चला जाता है। ठीक है जी, क्योंकि बरसात लेट हो रही है। हाँ बिल्कुल, तो फिर बरसात लेट होने के कारण जुलाई में भी हमें बिल्कुल बिल्कुल किसानों को दिखाया जा रहा है कि देखो सुंडी जो है जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल, पोगे के अंदर है, असोज के गन्ने के अंदर स्थापित होगी पोगी के, बिल्कुल, क्योंकि बड़े गन्ने में तो उसे खुराक नहीं है, पका हुआ गन्ना है, बिल्कुल उसमें खुराक है उसके लिए, तो ये चीज समझने की है, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें कंट्रोल ऐसे करना है जिससे कि हमें दवाइयों पर से ज्यादा अपनी व्यवस्था से कंट्रोल करना, व्यवस्था से कंट्रोल करना, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। फिर उससे अगले पानी पर उसको खेत को बुआई कर लें, ठीक है। तो चुनने से क्या है, कली से हमारी जो फंगस है ना, हाँ जी, जो नुकसान पहुंचाने वाली, जी जी, वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो बहुत ज्यादा काम करेगी आपको, सस्ता होगा चुनना भी, सस्ता होगा, और वो एक तरीके से सोयल ट्रीटमेंट बोलते हैं, बिल्कुल। मान लो या तो हम ट्राइकोडर्मा बवेरिया वेशियाना इनसे ट्रीट कर लें, जी जी जी, अगर मान लो कोई किसान नहीं कर पा रहा तो इसको भी अपना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाइयों बहुत अच्छी जानकारी मनोज भैया ने दी, और अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास जानकारी है। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। का गन्ना वापसी कर जावे फिर चल पड़े, वो कभी नहीं चलता, जी जी जी, ये समझने की बात है। हाँ जी, अगर एक मैडे में हमारे 2 गन्नों में टॉप बोरर लग गया तो दोनों गन्ने की अवस्था ऐसी मिलेगी हमें, बिल्कुल। कुछ किसान भाइयों की अवस्था यहाँ भी खत्म हो सकती है, यहाँ भी खत्म, कुछ की यहाँ भी, कुछ पोगो की यहाँ भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझने की बात पहली तो है कि टॉप बोरर से गन्ना लगने के बाद नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, आप देख भी रहे होंगे टॉप बोरर की निशान। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो इसने बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ जी हाँ जी, अब ये है कि यहाँ तक गन्ना आया तो मेरा यहाँ तक तो सुरक्षित आया था। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी भरी वीडियो लेकर आया हूँ। भाइयों आप जो हैं हमारे गन्ना किसानों के सामने, आपके सीजन में बहुत बड़ा संकट आया, गन्ने में बहुत ज़बरदस्त बीमारी भी आई, और अब की बार में लिकाड़ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो भाइयों पिछले 5 वर्षों से ट्रेंच विधि द्वारा गन्ना लगा रहे हैं, और एक प्रगतिशील किसान है जो कि भाइयों बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में भी, और जो आपकी गन्ना पेड्डी है इसके प्रबंधन के बारे में आज हम पूरी चर्चा विस्तृत रूप में करेंगे। किसानों को पोगे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए, जबकि देखा जा रहा कि 70% किसान जो है जिनका पौधा गन्ने में कटाई चल गई वे ज़्यादातर पोगों के लालच में आकर उन्हें छोड़ रहे हैं। तो आज मैं मनोज भैया जी के पास में आया हूँ दादरी गाँव में। तो सबसे पहले मैं भैया जी से आपको मिलवाऊँगा। ये सामने देख लो, डबल लाइन ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे हैं भैया जी, और आज आपके लिए बहुत ही खास जानकारी भैया जी देंगे। तो सबसे पहले मैं भैया जी से आपको मिलवाऊंगा। तो नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जी जी, थोड़ा सा तो भैया जी आप एक अपना किसान भाइयों को परिचय करा दो थोड़ा सा। मैं मनोज राणा, जी जी, पुत्र स्वर्गीय श्री दयाराम राणा, ग्राम दादरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी, तो भैया जी एक सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, जैसा कि मैं गाँव में आया आपके भी, काफ़ी सारे किसानों ने पोगे छोड़ रखे जी, और जबकि अब की बार में 0238 में भयंकर बीमारी रही, और पोगो की मैंने पहले वीडियो भी बनाई, डॉक्टर बक्सीराम जी ने भी जानकारी दी कि पोगा ना छोड़ा जा। तो उस तथ्य पर आप थोड़ी सी अपने किसान भाइयों को जानकारी दो कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पेड्डी का प्रबंधन करना चाहिए। देखो ऐसा है जी कि सभी किसान भाइयों का अपना अपना एक विचार हो जी, कुछ पोगो का लालच करें हैं जब पोगे देखे हैं खेत में कि यार काफ़ी अच्छा फुटाव आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन समझने की बात यह है कि जब हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं जी, वो लगातार हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जी, कि जो टॉप बोरर की बीमारी है, जो इस टाइम सुंडी की अवस्था में है, प्यूपा की अवस्था में है जी,
वो हमारे पौधों में स्थापित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमें उसका एक स्टार्टिंग करनी है कंट्रोल करने के लिए जी, तो हमें सबसे पहले अपने खेतों से पौधे को हटाना पड़ेगा। पौधे को हटाना पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ तक ये एक आम विचारधारा है कि भाई पौधे से पैदावार ज़्यादा होती है, जी जी जी, ये सिर्फ एक मिथ्या है, एक विचार है, एक विचार है, जबकि इसकी कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा। मैं बिना पौधे की भी करके देखा है जी, और पौधे की भी रख के देखा है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि बिना पौधे की फसल अच्छी नहीं होती जी, और पौधे वाली अच्छी हो जा। कुछ बीज थे ऐसे जिनमें पौधे होते थे, पहले वैरायटी थी, बुआई के तरीके थे, आज चेंज है सब चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैकेनिज्म बड़ा है। आज पहले 23 इंच पे गन्ना बुआई करते थे, आज किसान 5 फीट पे बो रहा है, कोई 4 फीट पे बो रहा है। बिल्कुल, तो परिवर्तन है। बिल्कुल, उस परिवर्तन के साथ हमें वैरायटियों के संदर्भ में भी जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी के गुण अवगुण क्या हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे यही गन्ना वैरायटी है, किसान भाई बहुत नुकसान में है इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास भी नुकसान है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारा नुकसान नहीं है जी, जी जी, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ कम है। बिल्कुल बिल्कुल, औरों के अपेक्षाकृत कुछ कम है जी, लेकिन नुकसान है। लेकिन अगर हम मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूँ जी, कि लास्ट ईयर जो गन्ना है वो उसका मैं सही तरीके से नहीं कर पाया प्रबंधन जी, जो समय पर होना चाहिए था, दवाई होगा। हाँ जी, जी। उसका रीज़न मेरा घरेलू था कि मैं घर में एक शादी थी जी, 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 जिस कारण मैं 1-2 शादियों में बिजी रहा। हाँ जी, और जो क्योंकि बिना अपने तो नहीं होता कुछ काम, ये कुछ दवाइयाँ डलवाने का इस तरह का रहे। हाँ जी, जी। तो डिले हुआ, डिले होने का कारण मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी 0238 को अगर हम तरीके से और सही नियम से करें, हाँ जी, हाँ जी, चाहे वो पौधा है या पिड्डी है जी, तो अभी हम इसे कई वर्षों तक चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपके डॉक्टर बक्शीराम जी ने भी कहा है इस संदर्भ में कि भाई नहीं अभी चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी बराबर की कोई पैदावार देने वाली वैरायटी हमारे बीच में नहीं है। हाँ, अभी नहीं है जी। जो वैरायटी है 0118 है जी, उसके लिए किसान थोड़ा सा भयभीत रहता है कि उसकी पिड्डी नहीं हो पाती। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हो सकती है, उसका भी तरीका उन्होंने समझाया है। लेकिन बात यह है कि हम उसे कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ हमें बताई जा रही है उसे हम कितना स्वयं से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेन चीज़ ये है जी, मान लो आपको हमें पता भी है और हम उसे कर नहीं पा रहे, और उसके बाद हम एक बात पेश कर दें कि भाई ये तो नहीं हो रहा। हाँ जी, लेकिन हमने उसे किया कितना है। बिल्कुल, मेन तो ये है। हाँ जी, अभी जैसे पौधा तो आपको हमारे खेत में भी दिखाई दे रहा है, पौधा फूट रहा है। हाँ, पौधा बहुत फूट रहा है, लेकिन हमने कोई, आप देखो, कोई पौधा नहीं इधर दिखा हुआ, कोई पौधा नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दौर तक कटाई कर रखी। हाँ, अब आप इसमें देखो कि हम कटिंग कैसी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ गन्ना था, आपको गन्ना चमक रहा है? नहीं, कहीं नहीं कटा हुआ जी, तो इतनी गहराई से लिया हुआ है जब भाई चढ़ी हुई है। ये देख लो, गन्ना कटिंग का सही तरीका तो देखो ये है, अगर आप पौधे छोड़ दोगे तो एक पोरी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और इसमें रिकवरी भी सबसे ज्यादा है, और नहीं इसकी, हाँ, एक प्रॉब्लम है बात पैदावार की, यही बीमारी, अगर हम ये इसे ऊपर से करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, तो यही बीमारी का जनक होगा। हाँ, लाल सड़न जो बनेगी, हवा में जो झुंडा रहेगा, ना फूटने की जो समस्या होगी। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी के अंदर आप बहुत किसान आम समझ लें कि जो झुंडी अंदर रखती है, हाँ जी, हाँ जी, खेत के अंदर मिट्टी के अंदर जी, जी, वो कई कई वर्षों तक जम जाए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो पूर्णतः मिट्टी के अंदर थी, वो सुरक्षित थी। बिल्कुल बिल्कुल, हवा में जाने के बाद वो खराब होगी। बिल्कुल, अगर उसे हवा नहीं मिलेगी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब तीन चीज होती है, हवा, पानी और मिट्टी जी। अगर कोई सी एक चीज, ये हवा गायब हो जाएगी ना जी, 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 तो ये खराब नहीं होगी झुंडी मिट्टी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो किसान को गहराई से गन्ना काटता है, अगर कोई ट्रेंच विधि से कर रहा है, हाँ जी, हाँ, ये सामान्य विधि से भी कर रहा है तो इतना काटता कि गन्ने का जो ऊपरली हिस्सा है वो हमें ना चमके। हाँ, वो जमीन में रहे, ठीक है, तो उसका फुटाव भी अच्छा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बीमारी भी नहीं आएगी, सड़न जो फंगस हमारी पाला पड़ जाए, मान लो भाई दबे, जैसे अभी सर्दी जाती का समय है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी जरूरी नहीं है, मौसम का तो किसी के हाथ में होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो एक तो प्रबंधन मेन है कटिंग का। बिल्कुल सही बात है, सबसे शुरू मेरा भी निवेदन है किसानों से कि भाई पौधा ना छोड़ने, बिल्कुल ज्यादा बेहतर रहेगा इस बीमारी का कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं तो स्वयं इस काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब रही इसकी अगले प्रबंधन की, तो जैसे ये गन्ना कटेगा, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं तो इस सारे खेत में से ये आपकी पत्ती उठवा दूंगा। अच्छा, पत्ती उठवा, हाँ, पत्ती उठवा दूंगा, क्योंकि रेटून मैनेजर इसमें नहीं चल पाएगा, पेड्रो विधि का ये गन्ना डबल लाइन सिंगल लाइन में, हाँ जी, हाँ जी, चलता है वो, तो इसे उठवा के जी इसकी जुताई करूंगा टीलर से और उससे। अच्छा अच्छा, मेन 5 फुट वाले से। अच्छा, ये यहाँ बीच में चल जाएगा आपका टीलर, है ना? चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर ये बीच में भी जुताई हो जाएगी, तो ये जैसे हल्का सा फुटा हुआ होगा ना। हाँ जी, हाँ जी,
इस पे ठा के पानी दे के, खाद पानी दे के जी जी, और इस पे ड्रेंचिंग कर देंगे कीटनाशक प्लस फफूंद नाशक की। अच्छा, उसके बारे में बताओ भैया थोड़ा सा, शुरू में जब आप ड्रेंचिंग करोगे मतलब किस चीज़ की होनी चाहिए? देखो, एक अच्छी फंगीसाइड ले लो, कोई भी फफूंद नाशक। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कार्बंडाजिम, आप स्पेशल प्योर कार्बंडाजिम ले लो, ठीक है, बेसिक दवाई है, और बावस्टीन के नाम से ले लो। हाँ जी, अच्छी ब्रांड आती है, क्रिस्टल की ले लो, पहले तो बासफ की आती थी जी जी, अब वो बावस्टीन ने खरीद लिया, इसने बावस्टीन को खरीद लिया ब्रांड नेम को, क्रिस्टल कंपनी ने। अच्छा अच्छा, तो आप इसका क्रिस्टल का लो। हाँ जी, और किसी अगर और भी किसी कंपनी का आपको कार्बंडाजिम लेना है तो मोस्टली आप ब्रांड का लो। बिल्कुल सही बात, बायर का लो जी, या क्रिस्टल का है, हो गया आपका यूपीएल का हो गया, मतलब मोस्टली जो ब्रांड है। हाँ, उन्हीं की सिजेंटा का आता है तो उसका ले लो जी। मतलब इसके साथ आप क्लोरोफायरीफॉस 50% में आता है। अच्छा, जैसे ये बताओ जी, फंगस के साथ में कीटनाशक नहीं लगा सकते? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, नहीं कई जगह नहीं। फंगस के साथ में आप किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक, अच्छा अच्छा, जो हमारा जैसे एनपीके है जी जी जी, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में है जिसे हम यूज करते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये लगा सकते हो आप कीटनाशक के साथ? कीटनाशक का कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है जी, ठीक है, तो ये नहीं, ये तो गलत है, किसी ने अगर बताया तो जी जी जी, तो उसका यूज करो, वो भी मोटा फुवारा बना के बिल्कुल झुंडे की लाइन में मारो। ठीक है जी, नमी पे मारो, जैसे पानी दे दिया तो उसके दूसरे तीसरे दिन नमी में मारो, नमी पे मारो। अच्छा, उसके लिए कीटनाशक के लिए और बता दो, आपने फंगस के लिए तो बता दिया, ये जो क्लोरो 50% में आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, या आप फिप्रोनिल थायमेथोक्सम का कॉम्बिनेशन आता है, बनाते हो वो 30% में आ रहा है थायमेथोक्सम। हाँ जी, और प्लस फिप्रोनिल ले लो, उसको मार दो जी जी, मतलब जो कीटनाशक हमारा जड़ भेदक को कंट्रोल करे। तो इसकी मात्रा और बता दो थोड़ी सी, एक एक कर। अच्छा बिल्कुल। हाँ जी, किसान भाइयों, इसमें तो 100 ग्राम प्रति बीघे का आप फफूंद नाशक ले लो। ठीक है जी, चाहे वो बावस्टीन हो, हाँ जी, चाहे आपका थाइपोमेट मिथाइल हो जी, या और जो नए टेक्निकल आते हैं वो ले लो। ठीक है जी, साथ में आप 250 ml प्रति बीघे का आप ये क्लोर 50% ले लो। ठीक है जी, या आप ये ले लो, क्या नाम, थाइमेथोक्सम और फिप्रोनिल जी जी, 30% में जो आता है टेक्स फॉर्म में। हाँ जी, तो जब आपके ये फुटाव करिया होगा जी, उससे बाद में ये झुंडों पे स्प्रे करना जी? नहीं, फुटाव ना भी करे। हाँ, मतलब ये प्रक्रिया, मान लो मेरा खेत बात खली होने की है ना जी जी, मान लो मैं संबोध करूँ अभी 8 दिन मेरे खेत को लग जाऊंगे जी जी, तो मुझे ये थोड़ी देखना है कि ये फुटाव आ गया। हाँ बिल्कुल, मुझे तो तुरंत इसको खेत की पत्ती उठवानी है अगले दिन ही। हाँ जी, इसकी जुताई करनी है इसी अवस्था में। ठीक है जी, जुताई करके तुरंत इसको कुछ रासायनिक उर्वरक दे के, हाँ जी, जिसमें आप थोड़ा यूरिया, थोड़ा SSP जी, और थोड़ा उसमें भी आप जैसे सल्फर लगा लो फुटाव के लिहाज से। ठीक है, और कोई भी जाइम लगा लो एक अच्छा सा। ठीक है जी, बायोकेन का आता है, सागरी का आता है, बायोविटा आता है जी, मतलब लो अच्छी क्वालिटी का। हाँ बिल्कुल, उसको बिल्कुल, साथ में मिक्स करके जी, उसको झुंडी हमें दिखी जुताई पे जब पता ही चलता है कि ये गूल है हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसमें तो कोई सोचने वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी, चीन हो जाओ उसका तो निशान आ जाओ। हाँ जी, उस पर आप डालते चले जाओ। ठीक है जी, पानी दे दो जी, सिंचाई करने के बाद तीसरे दिन आप इसका स्प्रे करा दो। तो आपका जो पौधा निकलेगा फुटाव में जो निकलेगा झुंडी, वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेगी। ठीक है, और फिर उसकी एक सर्किल बना लो, साइकिल, मतलब हाँ बिल्कुल, सुरक्षा कवच जी जी, उस साइकिल को मत टूटने दो। हाँ, और मैं मेरी दवाई मैंने इस तरह की है कि वो 15-20 दिन तक ही सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना कि मैं अब 1 महीने डिले कर दूं जी, मुझे 20-25 दिन बाद उसको हर हाल में सुरक्षा देनी है किसी दूसरी दवाई से जी जी। अच्छा भैया जी, इसमें एक सवाल और बहुत खास, जैसे अब चल रहा जी फरवरी चल रहा, और मार्च से लगा लो कि आप फुटाव हमारा लगभग पूरा हो जाएगा जी, साइकिल जो हमारा मतलब शुरू करनी, उसका टाइमिंग पीरियड बताओ कि खतरा बीमारी का सबसे ज़्यादा कौन से महीने तक रहेगा? भाई जी, जो मौसम की गर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, सपोज करो जिस तरह की गर्मी इस बार होने जा रही है, अभी ये फिलहाल में आ गई फरवरी में ही। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरह से तो ये हमारे पे टॉप बोरर, अर्ली टॉप बोरर का जो है अटैक, हाँ जी, हाँ जी, कणसवे का जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारा 15 मार्च के करीब आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हमने ये पौधा छोड़ दिया, पुग्गा छोड़ दिया, हाँ जी, जो हमने ये तैयार करके, बीमारी तैयार करके छोड़ दी, तो बहुत बड़ा अटैक आएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत, जो हम गन्ने की अगेती बुआई करेंगे, या हमारा सोज का गन्ना बुआ हुआ है किसान का, हाँ जी, हाँ जी, या आपका बहान का गन्ना जो हम बोलेंगे, वो जैसे ही जर्मिनेशन करके होगा वो बीमारी की चपेट में आना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की मतलब प्रबंधन करें। हाँ जी, हाँ जी, और प्रबंधन तो हमें और भी करने पड़ेंगे, जैसे मेरा अपना इस बार विचार भी है, किसानों को भी मैं सजेस्ट करूंगा अगर हो सकता हो जी जी, कि अपने जंगल में सभी के लगभग सभी के ट्यूबवेल हैं। हाँ बिल्कुल जी, तो किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि सभी अपनी ट्यूबवेलों पे 200-200 वाट के दो दो बल्ब सीरीज में करके, हाँ जी, उन पे कैप लगा के, जिससे बरसात में वो ना फ्यूज होंगे, हाँ जी, हाँ जी, वो टांग दें जी जी खम्बे पे। हाँ जी, हाँ जी,
और टांग के कोई प्लास्टिक का पुराना टूटा हुआ ड्रम, हाँ जी, उसके नीचे जमीन में दबा दें जी, उसमें चार बाल्टी पानी घेर के रखें जी, उसमें आप कोई भी 500-100 ml लिक्विड दवाई कीटनाशक कोई भी, हाँ जी, ए से जेड कोई भी, मंदी से मंदी जी, जो भी आपको समझ में, हाँ वो डाल दें आप उसमें, ठीक है जी, तो उस पर तितली जाएगी हर हाल में आपको, हाँ जी, इतना दवाइयों से बेनिफिट नहीं मिलना जी जितना आपको इससे मिलेगा। और अगर सभी किसान इस तरफ आगे बढ़ लेंगे ना जी जी जी, तो इस बीमारी से हम ऐसे समझो कि 95% सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो तो इन्वर्टर का जुगाड़ करना पड़ेगा जी श्रीमान, रात को तितली आती है, हाँ जी, रात को लाइट आती है, रात को जंगल की लाइट नहीं आती ना, हाँ ये कुछ समस्या है, समस्या कुछ जंगलों में ये बन गई व्यवस्था कि लाइट रात की नहीं आती, अभी हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि हम बैटरी का उसमें 200 वाट का बल्ब नहीं चलेगा, एलईडी लगानी पड़ेगी, ये एक समस्या है, ये बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन जहाँ अभी लाइट आ रही है नाइट में बिल्कुल बिल्कुल, मान लो जैसे मेरे क्षेत्र में अभी मेरे गाँव में यहाँ 2-3 गाँवों में आ रही है जी जी, तो मेरा तो प्रयास है कि इस बार इस तरह से प्रयोग करके देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे बीमारी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बीज में, नहीं अब दूसरी वैरायटी जो किसान लगा रहे हैं जी जी उनमें भी आप, चाहे वो 15023 है, चाहे 13235 है, चाहे 14201 है, हाँ जी हाँ जी भाई, वो चीज तो है ना, उसको ये खुराक नहीं मिलेगी, 38 नहीं मिलेगी, वो बोएंगे उसमें आएगी वो तो बिल्कुल दूसरे में खाओगे, ठीक है, और ये वैरायटी भी कोई ऐसे तो है नहीं कि रिकवरी इनकी भी अप है, बिल्कुल मिठास तो इनमें भी है, हाँ जी हाँ जी सही, तो ये तो एक भाई उस वैरायटी में नहीं है, उस वैरायटी में है, जब ये वैरायटी ज्यादा है हमारे पास 0238 जी, तो इसमें बीमारी भी ज्यादा है, हमें इसमें सो होनी है बिल्कुल बिल्कुल, भाई दूसरी अभी आई है, हाँ जी हाँ जी, तो अगर हम उस पर बढ़ जाओगे तो उसमें भी आनी है जी। तो भैया जी एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, जैसे आपके गन्ने में फरवरी में कटाई चली, आपने एक धोर से कटिंग कर दी, अब जो आपका सारा पौधा एंड तक जाएगा उसमें एक धोर से कटाई होगी सबकी? भैया मैं लगभग ये मान लो आप जो 15 मार्च तक की गन्ने कटिंग करूंगा जी, उसका 100% ऐसे ही करूंगा, ठीक है जी, 15 मार्च के बाद जो मेरा मान लो गेहूं का पौधा बुवाई का है, हाँ जी हाँ जी, तो वो 15 मार्च के बाद आएगा उसका नंबर गिरने का, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद उसमें मैं भी विवश हो जाऊं, क्योंकि पौधा उसमें इतना बढ़ जावे है, फिर हाँ। वो उसकी कटिंग अगर हम कर देंगे जी जी तो वो लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो उस समय मैं बाध्य हो जाऊंगा कि पौधा मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 15 मार्च तक की जो कटिंग है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल 100% कटिंग, ये मान लो कि टॉपर को खत्म कर रहे हैं आप एक दो से काट रहे, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब खत्म तो नहीं लेकिन कंट्रोल के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ कंट्रोल के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भैया जी जैसे आप पेड्रो विधि द्वारा करना बोल रहे, तो ये विधि मतलब किसान के लिए ठीक है? देखो सभी के अपने अपने व्यवस्था है, हाँ जी ये तो व्यवस्था पे डिपेंड करे, कोई सामान्य विधि से भी अच्छा पैदावार ले रहा है बिल्कुल बिल्कुल, और कोई 5 फीट पे ले रहा है जी, अब 5 फीट पे जो सोज का गन्ना है वो ज्यादा बेस्ट है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पेड्रो विधि से जैसे हम गन्ना बुआई कर रहे हैं, हम वाहन का ज्यादा गन्ना बोते हैं, हाँ जी हाँ जी, या गेहूं का बोते हैं, तो ये ज्यादा इसमें कामयाब है जी, मेरे लिए संतुष्ट हूँ पेट्रो विधि से। अच्छा अच्छा, तो एक सवाल और, जैसे अभी किसान भाई कुछ ट्रेंच पर आ गई, कृषि यंत्र सबके पास है नहीं और मिट्टी उनके गन्ने पे कम है, तो वे गन्ने की गहरी कटाई करके भी काम कर सके ना? बिल्कुल, गन्ने की गहरी कटिंग तो हमेशा करनी चाहिए, मैं आपको दिखा भी दिया, आपने भी दिखा जी जी जी, नहीं बहुत गहरी कटिंग हो रही है जी जी जी, ये तो अनिवार्य है बिल्कुल, किसी भी अवस्था में चाहे आप ट्रेंच से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रेटून नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं, देखो जो किल्ला फूट के आपका जड़ से आएगा, हाँ जी हाँ जी, ये सोचने की बात है जी, वो किल्ला दमदार होगा, उसका गन्ना स्वस्थ बनेगा, उसका मजबूत बनेगा, उस वो जड़ में होगा, बिल्कुल सही बात, जो गन्ना तने से फूट के आएगा, हाँ जी, वो कभी गन्ने में परिवर्तित नहीं होगा, हाँ ये आप समझो, जो मान लो मैंने जड़ से ऊपर गन्ना छोड़ दिया, हाँ जी हाँ जी, 3 इंच या 4 इंच बिल्कुल या 2 इंच बिल्कुल, उसकी आँख से जो फूट का आवेगा वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, हाँ जी, या उसका वो गन्ना बेस्ट नहीं बन सकता बिल्कुल, जो जड़ से फूट का आएगा ना किल्ला, हाँ जी हाँ जी, उसका गन्ना स्वस्थ बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो भैया जी वो अभी हमें फरवरी से लेके वो बात बीच में रुक गई थी हमारी, तो ये जो साइकिल हमें बनानी कौन से महीने तक सबसे ज़्यादा प्रकोप रहेगा उसके बारे में? भैया ये हमारा जो टोपोरा का जैसा पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं जी जी जी, 15 मार्च से बाद में स्टार्ट हो जाता है, हाँ जी, और जो सबसे ज़्यादा प्रकोप आता है वो हमारा मई जून, हाँ जी, और जुलाई तक चला जाता है, ठीक है जी, क्योंकि बरसात लेट हो रही है, हाँ बिल्कुल, तो फिर बरसात लेट होने के कारण जुलाई में भी हमें बहुत प्रभावित करता है, अगस्त तक भी प्रभावित करता है, हाँ जी, सितंबर में भी आया था, लेकिन टॉप बोरर की वही एक बात है कि अगर हमने इसकी भी चैन तोड़ दी ना जी जी जी, तो ये हमें आगे कम नुकसान देगा बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं बन पाने की उतनी उसकी जी जी। नुकसान की प्रभावित नहीं कर पाने का, हाँ बिल्कुल, वो प्रभावित हमें जब करता है जब पहला टॉप बोरर भी हम पे पूरा लगा है, दूसरे भी स्टेप आया है, तीसरा भी आया है, चौथा भी आया, हाँ जी हाँ जी, तो हमें क्या करना है कि पहले से ही इसको कंट्रोल करके चलना, बिल्कुल, तो 15 दिन अपने स्प्रे मारनी है, हाँ 15 से 20 दिन दवाई, दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे मान लो आपका
वॉल्यूम फ्लेक्सी होगी या कोरोजन होगी या वर्टाको होगी या फर्टेरा होगी जी जी जी। तो ये हर हाल में आपको मई के पहले फर्स्ट वीक में लगानी है गन्ने में, मई के पहले चाहे वो गन्ना बांध का है जी जी, चाहे वो पेटी है। अच्छा, जैसे कुछ इनका रिजल्ट की बात करें जी, वो समय एक उस पर आधारित होता है। मान लो मैंने सुबह गन्ने में दवाई डाल दी आप सपोज करो जी जी, और मेरा पानी नहीं आया सारे दिन, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी, तो वो इसी कारण से बिजली, फिर मैं सोचूंगा कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आया। हाँ, तो एक तो मैं भी कई जैसे जानकारी की है कि अगर हम हो सके जी जी, चाहे वो ड्रेंचिंग स्प्रे है हाँ जी, चाहे कीटनाशक दवाई है जी जी जी, कोई सी भी दानेदार, वो अगर हम पानी देने के एक दिन बाद करें थोड़ा कष्ट तो पड़ेगा डालने में, बिल्कुल, बिल्कुल। या दो दिन बाद हाँ जी हाँ जी, वो ज्यादा बेहतर है, उसमें मॉइस्चर रहेगा, कभी वाष्पीकरण नहीं होगा उसका जमीन में, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ऐसा प्रक्रिया अपनावे, दूसरा जो दवाई हम डाल रहे हैं वो दोपहर बाद डाल रहे हैं, लगभग 3 बजे के 4 बजे के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि वो धूप उस पर ना उतरे जी जी। तो ये दो तीन चीज तो हमें जरूर। तो भैया जी, जैसा आपने बताया कि जो आप सिस्टम की दवाई की बता रही है 3-4 है बढ़िया कंपनी की, तो इनका भी 15 दिन का रिजल्ट रहेगा या ये कुछ लंबे टाइम? इनका 15 दिन का नहीं रहेगा, मैं तो उसका बताया था जी जी, ये तो कहे तो ये तो दे दे मैं कि 90 दिन का इनका ध्यान रखना चाहिए, 90 दिन तक ध्यान रखेगी, फसल का कंट्रोल करेगी। हाँ जी हाँ जी, लेकिन इसे आप मैक्सिमम 60 दिन मान लो, 60 दिन अगर ये 2 महीने भी कंट्रोल करती है तो हमारा, अगर हम मई में डाल रहे हैं तो मई जून निकल गया। हाँ बिल्कुल, और मई जून निकल गया, जिस खेत में मई जून अगर क्लीन हो गया ना हाँ जी हाँ जी, तो उसमें जो जुलाई का नुकसान होगा या अगस्त का नुकसान होगा वो 5% या 10% होगा, ये पहले से होता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मौसम हमारे अकॉर्डिंग रहा है तो आप, ये अटेम्प्ट तो हम पे पहले भी आया इस पे गन्ने की फसल पे जुलाई अगस्त में, बिल्कुल, लेकिन उस समय का नुकसान वो कम हुआ है। उसका रीजन ये रहा कि हमने जो मई में दवाई डाल ली जी जी, उसने हमें रिजल्ट दिया और हमारा गन्ना 2 महीने स्वस्थ होकर निकल गया, बिल्कुल, उस समय पे उसका प्रभाव कम हुआ। हाँ जी हाँ जी, तो जो अब क्या है कि चैन ऐसी बन गई इसकी बीमारी की जी, के डॉक्टरों को भी इस बार विशेष गोष्ठी करके बताना पड़ रहा है कि भाई पोगा मत छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को दिखाया जा रहा है कि देखो सुंडी जो है जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल, पोगे के अंदर है, असोज के गन्ने के अंदर स्थापित होगी पोगी के, बिल्कुल, क्योंकि बड़े गन्ने में तो उसे खुराक नहीं है, पका हुआ गन्ना है, बिल्कुल, उसमें खुराक है उसके लिए। तो ये चीज समझने की है, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें कंट्रोल ऐसे करना है जिससे कि हमें दवाइयों पर से ज्यादा अपनी व्यवस्था से कंट्रोल करना, व्यवस्था से कंट्रोल करना, बिल्कुल सही। मतलब दवाई दवाई से हम सोचे कि भाई सारा हो जाएगा तो हम फेल नहीं हुए हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, भाई मैं क्या सभी किसान समूह फेल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोटा नुकसान है। हाँ जी हाँ जी, किसान के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कोई कहता रहे कि भाई मेरा इतना निकल रहा है उतना निकल रहा है, वो तो देखो वो पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं जी जी जी, लेकिन बाकी नुकसान है, बाकी नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, मेहनत और लागत बढ़ी है। हाँ जी, और पैदावार घटी है, पैदावार घटी है, और 5 साल से आप देख रहे हो कि कितना पैसा बढ़ाया गन्ने के, बिल्कुल, मजदूरी हर चीज बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, सही बात। तो हमें है ना अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिससे हम दवाइयों पर डिपेंड ना होकर ये मतलब तटस्थ होना पड़ेगा कि जो समय है ना उस समय पर वो करना ही है, बिल्कुल सही बात, चाहे कुछ भी हो जी। तो भाई समय इसमें मेन है। हाँ, समय की है सारी चीज, बिल्कुल। जैसे ये अब फफूंद की बीमार बहुत ज्यादा चल रही, ब्लैक स्मट चल रहा है जी जी जी, तो मेरा एक सजेशन और है किसानों को, जो वाहन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, सभी किसान भाई जो कर सकते हो जी, जो बहान जुताई कर ली हाँ जी, उसमें 5 किलो बीघे का बिना बुझे कली कह दें, जिसे हम चुनना कहते हैं, वो बिखेर के जुताई करके पानी दे दें, ठीक है जी, और फिर इससे अगले फिर जुताई करें जब वो पानी आवे, ठीक है जी, फिर उससे अगले पानी पे उसको खेत को बुआई कर लें, ठीक है। तो चुनने से क्या है, कली से हमारी जो फंगस है ना हाँ जी, जो नुकसान पहुंचाने वाली जी जी, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके, सस्ता होगा चुनना भी, हाँ सस्ता होगा, और वो एक तरीके से सोयल ट्रीटमेंट बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो या तो हम ट्राइकोडर्मा बवेरिया वेशियाना इनसे ट्रीट कर लें जी जी जी, अगर मान लो कोई किसान नहीं कर पा रहा तो इसको भी अपना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाइयों बहुत अच्छी जानकारी मनोज भैया ने दी, और अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास जानकारी है। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। अच्छा हाँ, इसमें है जी गन्ने में दिक्कत है ना, योगी हाँ योगी नमूने ही है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें यहाँ जाके चैन टूटी जी, देखो जैसे अब ये समझने की बात है, ये गन्ना जन्म लिया होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये आया लगभग, ये मान लो आप 6 फीट का गन्ना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इस 6 फीट के बाद ये टॉप बोरर लगा, देखो ये लगा है ना, लग रहा है। तो टॉप बोरर का गन्ना जैसे हम सोचे हैं कि टॉप बोरर का गन्ना वापसी कर जावे फिर चल पड़े, वो कभी नहीं चलता जी जी जी, ये समझने की बात है। हाँ जी, अगर एक मैडे में हमारे 2 गन्नों में टॉप बोरर लग गया तो दोनों गन्ने की अवस्था ऐसी मिलेगी हमें, बिल्कुल। कुछ किसान भाइयों की अवस्था यहाँ भी खत्म हो सकती है, यहाँ भी खत्म, कुछ की यहाँ भी, कुछ पोगों की यहाँ भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझने की बात पहली तो है कि टॉप बोरर से गन्ना लगने के बाद नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा, आप देख भी रहे होंगे टॉप बोरर की निशान, हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल।
तो इसने बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये है कि यहाँ तक गन्ना आया तो मेरा यहाँ तक तो सुरक्षित आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद मेरी साइकिल टूटी है सुरक्षा की। हाँ जी, हाँ जी। जो सुरक्षा कवच था मेरा वो यहाँ पे आके टूट गया। यहाँ पे टूट गया, तो खत्म। यहाँ मुझे अब मुझे यहाँ सोचना है कि मुझे ये नहीं टूटने देना। हाँ, और जो मेरी मान लो किसी किसान भाई की इस अवस्था में टूटा है या 5 फुट पे टूटा है या 7 फीट पे टूटा है या 3 फीट पे टूट रहा है, तो वही हमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम किस, हमें समझने के लिए मतलब ये है हाँ जी, कि हमने दवाई कहाँ खत्म की। बिल्कुल, कहाँ हमारा नुकसान हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अगर हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेना अपने खेत में फसल को देख के। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मेरा नुकसान कहाँ पे ज्यादा हुआ, जैसे मेरा नुकसान जो है मेरी फसल में 6-7 फीट के गन्ने पे ज्यादा जाके हुआ। जी जी बिल्कुल। उस समय पे मैं नहीं दे पाया, तो इसका मतलब उस समय की कोई एक स्प्रे जो 15 दिन में होनी चाहिए थी वो ना देकर मैं 1 महीने में दे पाया। ये कौन सी स्टेज बोली जाएगी वैसे, जो यहाँ का आई टॉप बोरर है? नहीं, टॉप बोरर की कौन सी पिट्टी बताई गई? ये आई होगी लगभग 3री या 4थी के करीब। 3री या 4थी होगी। हाँ, उसमें तो खत्म ही करते जी काम। नहीं होता तो नीचे भी है। हाँ बिल्कुल, वो नीचे की भी पोगी हम लगते हैं, जो पोगी में पोरी पड़ेंगी ना। हाँ, वो नहीं चलती, वो नहीं चलती जी। वो तो मेडे में जो सुरक्षित है दवाई स्प्रे करे वो चल जा तो हमें लगे कि भाई चल गया। बिल्कुल। लेकिन जिस गन्ने में टॉप बोरर लग गया और पूरी सोरी बना के निकल गया वो कैसे चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलने का जी, इसका सबसे बड़ा नुकसान ही है। तो हमें बस यही काम करना। बिल्कुल, साइकिल नहीं टूटे। ये सोचना कि हमने पिछली बार ऐसे किया था, इस समय पर हम ये नहीं कर पाए, तो अब की बार हमें वो नहीं गलती दोहरानी। बिल्कुल। और उस व्यवस्था को बना कर। जी जी। तो भाइयों, भैया जी का देख लो, सारा पेड्रो विधि द्वारा गन्ना लग रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं अपनी। बहुत ही अच्छी जानकारी भैया जी ने दी।